नमस्कार दोस्तों, चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मोतिहारी के चकिया से संतोष राउत की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं आम लोगों द्वारा CAA और NRC के समर्थन में जुलूस निकाला। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं आम लोगों द्वारा चकिया के गांधी मैदान से नवीन कुमार के अध्यक्षता में पूरे चकिया नगर पंचायत क्षेत्र में गुरुवार को एक विशाल समर्थन यात्रा निकाला। चकिया बजरंग दल के द्वारा CAA और NRC के समर्थन में एक महारैली का आयोजन किया गया और CAA और NRC भारत के लोगों के लिए है। यहाँ के मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, अराजकता फैलाया जा रहा है। देखिए, CAA जो है हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब देश का बंटवारा जब हुआ तो उस समय जो हमारे देश से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों देश निकले, वो सभी गैर मतलब कि सभी इस्लामी कंट्री बने। तो वहाँ पर कोई भी अगर धर्म के नाम पर अगर कोई प्रताड़ित होगा, शोषित हो गया या वहाँ पर उनका उत्पीड़न होगा तो वो सिर्फ गैर और गैर मुस्लिम। और CAA के माध्यम से इन तीनों देशों के गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है, इसलिए इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इससे किसी को मतलब किसी का विरोध में नहीं है, देश के मुसलमानों का विरोध में नहीं है, ये सभी के पक्ष में है, राष्ट्र हित में है। इसलिए सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी भाई मिलकर इसका समर्थन करें और राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। इस समर्थन यात्रा में नगर पंचायत के युवा, छात्र, व्यवसायी ने अपने हाथों में तख्ती और तिरंगा झंडा लिए नागरिकता संशोधन बिल का पुरजोर समर्थन का नारा लगाया। समर्थन यात्रा में शामिल लोगों ने विरोध के नाम पर हिंसा और तुष्टिकरण करना बंद करो, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, CAA का अफवाह फैलाना बंद करो, मोदी, अमित शाह, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, जैसे गगनभेदी नारे लगा रहे थे। चकिया के विभिन्न मार्गों में निकली समर्थन यात्रा के बाद चकिया के गांधी मैदान में समाप्त किया गया। आज निकली समर्थन यात्रा में चकिया प्रशासन चौकस नजर आई। चकिया थानाध्यक्ष, सह इंस्पेक्टर निर्मल कुमार, SI HN सिंह, दिनेश शर्मा, आनंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार व कई थानों से आए पुलिस बल, जिले से आए हुए महिला पुलिस बल सहित SSB रैली पर नज़र बनाए हुए थे। तो ये थी मोतिहारी के चकिया से संतोष राउत की खास रिपोर्ट। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। मेरे साथ बने रहें और भी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।